इंडिया में बिना शोर शराबे वाली शादी के बारे में सोचना मतलब गलत फहमी पालना होगा। घर से लेकर बाहर तक शादी की बात जंगल में लगे आग की तरह फैल जाती है। ऐसे में जब बात सेलेब्स के शादी की हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ कितना बज होता होगा। मीडिया से लेकर फैंस तक हर कोई अपने फेवरेट स्टार की शादी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने की होड़ में लगा रहता है। लेकिन ऐसे कई सेलेब्स हैं जिन्होंने अपनी शादी इतनी प्राइवेट रखी कि किसी को कानो कान भनक नहीं हुई। जैसे हाल फिलहाल टीवी के मोस्ट हैंडसम एक्टर मोहित रैना ने गुपचुप तरीके से शादी कर अपने फैंस को चौंका दिया। तो अपने इस खास सेगमेंट में आज हम उन टीवी स्टार्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी सीक्रेट वेडिंग से अपने फैंस को कर दिया सरप्राइज। मोहित रैना और अदिति। देवों के देव महादेव सीरियल से मशहूर हुए मल्टी टैलेंटेड एक्टर मोहित रैना ने 1 जनवरी 2022 को अदिति से शादी की। मोहित की शादी में उनके फैंस खुश कम सदमे में ज्यादा थे। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर उन्हें अपने इस फेवरेट एक्टर की शादी की जरा भी भनक नहीं लगी। और अचानक से मोहित के इंस्टा पर उन्हें दूल्हे के रूप में देखकर वो शॉक्ड हो गए। शादी के बाद मोहित ने अपने इंस्टा पर अपनी शादी की 3 बेहद ही प्यारी तस्वीरें शेयर की थी जिस पर हर किसी ने बेहद प्यार लुटाया। शहीद शेख और रुचिका कपूर। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी से पॉपुलर हुए शहीद शेख ने 2020 में अपनी गर्लफ्रेंड रुचिका कपूर से कोर्ट मैरिज की। इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई थी। हालांकि दोनों ने 2021 में ट्रेडिशनल वेडिंग का भी प्लान किया था लेकिन कोरोना की दूसरी महामारी के कारण ये प्लान कैंसिल कर दिया गया। शहीद की शादी की खबर सुनने के बाद उनकी फीमेल फैंस को झटका ही लग गया था। जाहिर सी बात है, एक तो अपने फेवरेट स्टार की शादी, ऊपर से उसके बारे में पहले से कुछ भी ना पता होना, तो बुरा लगना तो स्वाभाविक है। नीति टेलर की शादी की खबर सुनकर तो कई लड़के मन महसूस कर ही रह गए। नीति ने अगस्त 2020 में गुपचुप तरीके से अपने बचपन के दोस्त परीक्षित से शादी कर हर किसी को हैरान कर दिया। अपनी शादी की जानकारी उन्होंने काफी समय बाद अपने सोशल मीडिया पर दी थी। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस अना खान ने कई फिल्में और वेब सीरीज में काम किया था लेकिन कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कह दिया। फिर खबर आई कि उन्होंने अनस सैयद नाम के व्यक्ति से शादी कर ली जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होने लगी। फिर उन्होंने खुद इसकी जानकारी अपने इंस्टा हैंडल पर देकर अपने लाखों चाहने वालों का दिल तोड़ दिया। 12 साल के लंबे रिलेशन के बाद पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा ने अप्रैल 2020 में कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद इन्होंने ट्रेडिशनल वेडिंग का प्लान किया लेकिन कोरोना की वजह से उनका प्लान चौपट हो गया। लेकिन इन्होंने एक बार फिर से प्लान बनाया और नवंबर 2021 में फाइनली मंडप के नीचे ब्याह रचाया। मजेदार बात तो ये है कि उनकी शादी को इनके बेटे कृष्ण ने भी अटेंड किया था। मोना सिंह और श्यामराज गोपालन। सीरियल जैसी जैसी कोई नहीं की मोना सिंह ने 27 दिसंबर 2019 को साउथ इंडियन बैंकर श्यामराज गोपालन से शादी रचाई। मोना ने अपनी शादी को काफी वक्त तक छिपा रखा था लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उनका ये सीक्रेट भी सभी के सामने आ ही गया। टीवी के बेस्ट कपल जय भानुशाली और माही विज ने भी अपनी शादी की बात छिपा कर रखी थी। 2011 में जब अपनी दोस्त की शादी में माही मंगलसूत्र पहने पहुंच गई तब उनकी शादी की बात सभी को पता चल गई थी। तब जय माही ने स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने 11 नवंबर 2011 को शादी रचा ली थी। वत्सल सेठ और इशिता दत्ता। वत्सल सेठ और इशिता दत्ता टीवी के फेमस कपल्स में से एक हैं। इशिता और वत्सल ने 28 नवंबर 2017 को मुंबई के इस्कॉन टेंपल में गुपचुप शादी रचा ली थी। अपनी शादी की खबर इन्होंने फैंस और मीडिया से छिपा कर रखी हुई थी। भले ही इन स्टार्स ने गुपचुप शादी की हो लेकिन जब इन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें और वीडियोस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया तो उनके फैंस ने उन पर ढेर सारा प्यार लुटाया। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।